हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, अगर आप डेल लैपटॉप यूज कर रहे हैं और उसके अंदर आपने विंडोज 10 इंस्टॉल करके रखा है या फिर आपने कोई भी विंडोज इंस्टॉल करके रखा है और आपके सामने एक वायरलेस कैपेबिलिटीज टर्न ऑफ का एरर आ रहा है, वो आपको एरर कैसे फिक्स करना है और इसके लिए आपको क्या तरीके यूज करने हैं, हम लोग सब इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनका यूज करने से आप अपना जो ये प्रॉब्लम है वो ठीक कर पाओगे। तो सबसे पहले जब आप उसको ट्रबल शूट करते हो तो आपके सामने एक एरर आ जाता है कि वायरलेस कैपेबिलिटीज टर्न ऑफ, उसको आपको फिक्स कैसे करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका सिस्टम है यहाँ पर उसका एक्सप्लोरर आपको ओपन करना है। विंडोज एक्सप्लोरर जो होता है, जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो विंडोज एक्सप्लोरर का जो ये फोल्डर ओपन कर लेना है। माई कंप्यूटर के अंदर जाना है आपको, जैसे कि विंडोज 7 के अंदर माई कंप्यूटर रहता है बट विंडोज 10 के अंदर दिस पीसी रहेगा, आपको यहाँ पर जाना है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, जो ये दिस पीसी है यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और मैनेज बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये डिवाइस मैनेजर है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ओके, इसके बाद आपको जो आपका वायरलेस अडेप्टर है वो आपको चेक करना है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको एक नेटवर्क अडेप्टर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको उसको एक्सपेंड कर लेना है और यहाँ पर जो आपका वायरलेस अडेप्टर है यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर उस पर राइट क्लिक करना है उसके ऊपर। अगर यहाँ पर डिसेबल है तो इट मीन्स कि आपका इनेबल है। अगर आपका यहाँ पर इनेबल डिवाइस ऐसा कुछ आ रहा है तो आप उसको इनेबल कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर अगर इससे भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, वापस से राइट क्लिक करना है और यहाँ पर अनइंस्टॉल डिवाइस कर देना है उसको, जो आपका वायरलेस का ड्राइवर है उसको आपको एक बार अनइंस्टॉल कर देना है। ओके, यहां पर देख पा रहे हो कि अभी ये स्कैन कर लेगा। यहां पर जो आपका वायरलेस का यहां पर जो अडेप्टर दिखा रहा था वो अभी नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वापस से यहां पर राइट क्लिक करना है ऊपर की तरफ और स्कैन फॉर हार्ड ड्राइव चेंज पर क्लिक कर देना है, हार्डवेयर चेंजेस पर। सो फ्रेंड्स, इधर आप देख पा रहे हो कि जो आपका वायरलेस का अडेप्टर था ये वापस से यहां पर दिखने लग गया है। ठीक है, अभी आप अपना इंटरनेट चलाकर यूज कर सकते हो। अगर इससे भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहां पर बंद कर देंगे। जो आपका लैपटॉप है उस पर कीबोर्ड पर कुछ आपका की प्रेस करना है आपको। यहां पर आपको चेक करना है कि जो आपका कीबोर्ड है वहां पर एक वायरलेस का ऐसा साइन दिखेगा, जैसे यहां पर PRT SCR के नीचे एक वायरलेस का साइन बना हुआ है, ये ऐसा यहां पर दिख रहा है। अगर आपके आपके पास F12 के नीचे है तो आप F12 दबाना है। F12 दबाने के लिए आपको क्या करना है, लैपटॉप अगर आप यूज कर रहे हैं यहां पर ये FN है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपको साथ में प्रेस करना है। यहां पर क्लिक किया, ओके, यहां पर और उसके साथ आपको यहां पर दोनों बटन एक साथ प्रेस करने हैं। पहले FN पर क्लिक करना है, उसके बाद ये वायरलेस वाले बटन पर यहां पर, ठीक है, यहां पर क्लिक करना है। ओके, इससे क्या होगा, जो आपका वायरलेस है वो यहां पर ऑन हो जाएगा नीचे की तरफ, जिससे कि आप अपना यहां पर कनेक्ट कर पाओगे। यहां पर ऑन हो गया वो, अभी मैं इसको कनेक्ट करता हूं तो ये अभी यहां पर कनेक्ट हो जाना चाहिए। यहां पर आपसे पासवर्ड मांग रहा है तो आप यहां पर पासवर्ड डाल दीजिए, वापस से नेक्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इधर आप देख पा रहे हो कि यहां पर ये कनेक्ट हो चुका है। ओके, और यहां पर नीचे की तरफ ये साइन भी अभी यहां पर कनेक्टेड दिखा रहा है। अगर आपका इससे भी कनेक्ट नहीं हो, अगर आपका इससे भी कनेक्ट नहीं हुआ है यहां पर ऐसा करने के बाद भी, तो आपको क्या करना है, यहां पर जो ये वायरलेस है, जो ये आपका वायरलेस ड्राइवर है, इसका आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ड्राइवर आपको कहां से मिलेगा, आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, जैसे कि मैंने ये ब्राउजर ओपन कर लिया है मोजिला ब्राउजर, और यहां पर आपको क्या करना है, गूगल सर्च करना है।
गूगल टाइप करना है, ओके बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आपका जैसे कि लैपटॉप मेरा डेल का लैपटॉप है, तो मैं यहां पर मेरा जो लैपटॉप है उसके ड्राइवर मेरे को चाहिए वायरलेस का, तो यहां पर आपको क्या करना है, डेल स्पेस सपोर्ट SUPPORT सर्विस SERVICE ओके, और यहां पर आपको एंटर प्रेस कर देना है कीबोर्ड से। ठीक है, तो आपके सामने ये साइट ओपन हो जाएगा। अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, ठीक है, यहां पर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा होगा क्योंकि यहां पर वो अभी आपको प्रॉब्लम है, तो आप क्या करना, किसी भी अदर सिस्टम से ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है आपको, जहां पर आपका किसी या फिर मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो आप ये ड्राइवर, या फिर आपके किसी दोस्त के पास चल रहा है नेट, या फिर साइबर कैफे में जाकर आप अपने लैपटॉप का ड्राइवर निकाल सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर आपको क्या ले जाना है, जो आपका सिस्टम है उसका मॉडल नंबर आपको जरूरत पड़ेगा ये निकालने के लिए। ठीक है, तो वो आपको कहां मिलेगा, यहां पर स्टार्ट बटन पर आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, रन बटन पर क्लिक करना है, यहां पर आपको टाइप करना है MS Info 32। ओके, MS Info 32 आपको यहां पर टाइप करना है और ओके बटन पर क्लिक करना है। आपको फ्रेंड्स क्या करना है, जो आपका सिस्टम है यहां पर सिस्टम मॉडल नंबर 5567 ये आपको कंप्लीट लिखना है। ठीक है, कंप्लीट लिख के ले जाइए, और आपका 64 बिट है ये सिस्टम, ठीक है, और विंडोज 10 है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए एक ड्राइवर डाउनलोड कर लेना है आपके फ्रेंड के पास या फिर किसी साइबर कैफे में जाकर। ये उस केस में है जब आपका बिल्कुल भी नेट नहीं चल रहा है। अभी यहां पर मैं आपको क्या करना है, वहां पर जाकर जो आपकी साइट ओपन कर ली आपने, यहां पर आपको एक लिंक मिलेगा ड्राइवर्स एंड डाउनलोड्स, यहां पर क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो आपके सामने साइट ये साइट ओपन हो जाएगा। ठीक है, साइट ओपन हो गया तो आप क्या करोगे, जाकर वहां पर जो आपने मॉडल नंबर लिखा था यहां पर आपको डालना है आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट। ओके, यहां पर ये टाइप कर लीजिए, आपको ऐसा डालना है, देखिए यहां पर इसने ऐसा लिखा है, तो आपका पीसी का ऐसा आपने डाल देना है। यहां पर पूछ बोला भी है इसने, इंट्री डेल सर्विस टैग, ठीक है, और डेल ईएमसी प्रोडक्ट आईडी और मॉडल, ठीक है, इनमें से आप कुछ भी डाल दीजिए, ये डाल दिया और सर्च पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको आपके सामने ये विंडोज ओपन हो जाएगा, आपको ड्राइवर एंड डाउनलोड पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा नीचे की तरफ आना है, यहां पर आपको मैन्युअली फाइंड ए स्पेसिफिक ड्राइवर फॉर योर पीसी, ये जो आपका पीसी है यहां पर, और यहां थोड़ा साइड में आओगे तो यहां पर फाइंड ड्राइवर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहां पर आप उसको एक्सपेंड कर लीजिए। थोड़ा नीचे की तरफ आओगे तो आपका यहां पर जो विंडोज 64 बिट के लिए आपको डाउनलोड करना है, तो आप यहां पर वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वो सिलेक्ट कर लीजिए, और यहां पर डाउनलोड टाइप में यहां पर आपको ड्राइवर सिलेक्ट करना है। ओके, और उसके बाद आपको यहां पर जो कैटेगरी है, कैटेगरी दिखा रहा है आपको, यहां पर जाना है, और जो आपका ये आपका नेटवर्क एंड इथरनेट वायरलेस का एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहां पर, ये वाला, ठीक है, ये वाला आपको चेक करना है। ओके, उसके बाद थोड़ा नीचे की तरफ आना है और आपको यहां पर क्लिक करना है, यहां पर, ठीक है, यहां पर क्लिक कर दीजिए, और यहां पर आपको ड्राइवर डाउनलोड कर लेना है आपके वायरलेस का सिस्टम का, जो वायरलेस का आपका वो डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि हमारे पास हमारा जो वायरलेस था हमारा ये वाला था, ये वाला इंटेल वायरलेस, ये वाला आपको डाउनलोड करना है, जो लेटेस्ट वाला चेक कर सकते हैं आप, लेटेस्ट वाला कौन सा है, ऊपर वाला ही है। यहां पर आपको ये वाला चेक बॉक्स चेक करना है, ठीक है, और यहां पर उसको डाउनलोड कर लेना है। ये सारे डाउनलोड करके ले जाइए आप, आपको जरूरत पड़ेगी तो आप इंस्टॉल भी कर पाओगे आराम से। यहां पर डाउनलोड कर लेना, आपको डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो यहां पर ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
सो फ्रेंड्स इधर ये डाउनलोड हो चुका है, अभी आपको इंस्टॉल करना है। आपको क्या एक काम करना है, पेन ड्राइव में लेके जाना है आपका ये सॉफ्टवेयर जो ड्राइवर है, और जाके अपने पीसी के ऊपर यहाँ पर उसको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल कैसे करना है आपको, यहाँ पर जो ये आपका ड्राइवर है यहाँ पर राइट क्लिक करना है आपको और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर बोलना है उसको जाने के बाद। ओके, तो यहां पर एक ऐसा एक डब्बा दे देगा, अगर आप नॉन एडमिन यूजर से लॉगिन हो, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से लॉगिन रहेंगे तो ये ऐसा बॉक्स नहीं देगा, यस कर देना इसको आपको। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर, इस पे बटन पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स इधर आप जो आपका ड्राइवर है लैपटॉप का ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो आपके सिस्टम के अंदर। आई होप आप समझ गए होंगे, अगर आपके पास ये वायरलेस कैपेबिलिटी इश्यू आ रहा है तो आपको उसको कैसे ठीक करना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक और शेयर प्लीज। थैंक यू सो मच।